ये देखिए हमें पोलिनेट जब लौकी या कद्दू जो भी है तुरई कुछ भी लगता है तो हमें पोलिनेट जरूर करना पड़ता है। तो इस तरह से ये मेल फ्लावर आता है, इसके पीछे कोई भी लौकी या कद्दू नहीं लगाए तो मैं इसको तोड़ रही हूँ और इनको तोड़ के हम ये जो अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है मैं अभी फ़ोन ऑफ करके आपको तोड़ के दिखाऊंगी क्योंकि मेरा हाथ में एक हाथ में ही फ़ोन है। ये देखिए इस तरह से मैं तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हम इनको ये पंखुड़े से अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पंखुड़े से अलग करके आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा होगा। और हम अभी जो कद्दू पीछे लगा है वो फ्लावर ढूंढेंगे। तो ये फ्लावर हमारा इधर तैयार है और हम ये लेके उसके अंदर यहाँ पे ऐसा टच करेंगे। देखिए इसको पॉलिनेट करेंगे। इस तरह से हम पॉलिनेट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं। अगर हम खेत में सब्जियाँ उगाएंगे तो वहाँ पे पॉलिनेटर्स घूमते रहते हैं, यहाँ पे भी आते हैं लेकिन इतने नहीं आ सकते। जो पॉलिनेटर का मतलब मधुमक्खी, छोटी वाली मक्खी, शहद बनाने वाली मक्खी, ये सब इधर से ये फूल से बैठकर वो फूल पे बैठती है तो वो अपने आप ही पॉलिनेट हो जाता है। तो इस तरह से हम इनको हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, ये कर लेंगे। तो हमारा ये अभी फ्रूट, ये जो सब्जी है वो एक ख़राब नहीं होगी और एज इट अपने आप ये बढ़ जाएगी। और अभी ये सक्सेस हो गई। देखिए इस तरह से हमें करना है, ठीक है? आप समझ गए होंगे कि पॉलिनेट कैसे करते हैं, इस तरह से मैंने बताया है आपको।